काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तारीखन के ऐलान आज आखिरकार किन जा चुका है। देश में जहाँ लोकसभा चुनाव 7 चरण में किंजे ही तो दूसर कई मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट के खातिर 4 चरण में वोटिंग किंजे। पहल चरण में 19 अप्रैल का वोटिंग हुई। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम करके शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट के खातिर वोटिंग की तारीख के ऐलान हो चुका है। पहल चरण में 19 अप्रैल का वोटिंग की जई जहां 6 सीट पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 26 अप्रैल का 7 सीट के खातिर वोटिंग संपन्न हुई, जबकि तीसरे चरण में 7 मई का 8 सीट और आखिरी और चौथा चरण में 13 मई का 8 सीट पर वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में बार 5,63,40,064 मतदाता अपन मताधिकार के इस्तेमाल कर सके। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में मतदाता की संख्या 5,60,00,000 रही, जबकि वोटर लिस्ट में 4 महीने के बाद 3,00,000 वोटर बढ़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 18 से 19 उम्र के 16,00,000 से ज्यादा वोटर वोटिंग कर सके। भाजपा के द्वारा तमाम 29 सीट पर उम्मीदवार के घोषणा की जा चुकी है। पहल सूची में 24 और दूसरी सूची में 4 नाम घोषित किए गए। इस बार पार्टी के द्वारा चुनाव में 14 नया चेहरा उतारे गए हैं। 15 सांसद का मौका देंगे है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़े हैं, जबकि कांग्रेस के द्वारा एक बार में 10 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पार्टी का 18 नाम और घोषित कर बाकी है। सजग रहे, सतर्क रहे, दही शासन प्रणाम।